नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिल्वी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नवरात्र के इस पावन अवसर में देखिए एक ऐसे गांव निवारी के रंग जहां की मिट्टी नहीं जानती मजहबों में अंतर। जी हां, यहां क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी मिलकर माता रानी की मनोहारी छवि को नवरात्रि के पहले से ही देते हैं आकार और नवरात्र भर करते हैं मां की आराधना। जहां इंसानियत के मजहब के सामने धर्म जाति संप्रदाय बहुत पीछे छूट जाते हैं। देखिए नरसिंहपुर से हमारी एक खास रिपोर्ट। बहुत बड़ा उत्सव होता है, हम लोग सब भाई भाई मिलकर करते हैं। हिंदू मुस्लिम में कोई अंतर नहीं, जितने भी हैं सभी लोग, सभी जाति के लोग, और सब अच्छे तरह से मनाते हैं। इसमें कोई मतभेद होता नहीं, सब लोग हैं। राधो समाज भी है, पूरी समाज है। कोई समाज आप एक जगह नहीं कर सकते, तो कोई समाज है नहीं, सभी लोग, सबका सहयोग है। चंदा मांगते हैं जो लोग, जो बनता है वो देते, सबका सहयोग है, इसमें मतभेद वाली बातें नहीं। क्या सीख देना चाहते हो हिंदुस्तान के लिए आप लोग? हिंदुस्तान के लिए यही तो है साहब, यही तो साहब, भाईचारा का रिश्ता बनाना चाहते हैं। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम ये फ्री सेवा करते हैं करीब 40 साल से। हमारे गुरु हैं, अब तो नहीं है, उन्होंने ही हमको ये शिक्षा दी है। क्या? देवी जी बनाना, मिट्टी का काम करना, पेंटिंग करना, सब शिक्षा उनसे ही पाई है। हम हमारे साथ ही है राजू चौरसिया, वो भी हमारे साथ काम करते हैं। 40 साल से हम फ्री सेवा करते हैं, कुछ नहीं लेते, और हम माता रानी की सेवा करते हैं 40 साल से। बस यहाँ से मूर्ति लाई नहीं जाती, हम खुद यहीं बनाते हैं। आप हिंदू मुस्लिम सभी साथ ही मिलकर? सभी साथ मिलके, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा होके इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हाँ, बहुत उल्लास से, बहुत मज़ा आता है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोग यहां एक साथ खड़े होकर मां की आराधना करते हैं और देश को देते हैं अमन चैन और शांति के साथ भाईचारे का संदेश। करेली से मनोज विश्वकर्मा की रिपोर्ट।